तो आप हम अभी तक हम बच्चों कर रहे थे कि आपका क्वालिफिकेशन के नेचर, आप रूट्स के बेसिस पे कुछ सवाल होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आध सवाल और करेंगे, फिर हम थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। अभी तक जो भी सवाल के थे उसमें सवाल दे रखा था कि अगर रूट्स इक्वल हैं, रूट्स रियल हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स रेशनल हैं, रूट इरेशनल हैं, तो किस क्या क्या कंडीशंस आपका लैम्डा एम या जो भी निकल रहा था उस पर क्या कंडीशंस आएगी, क्या वैल्यू आएगी, उस पे सवाल कर रहे थे। अगर उसी पे हम एक और सवाल लिखे आपके सामने कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस ए डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आर इक्वल देन पहला ऑप्शन मान लो दे रखा हो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी। दूसरा ऑप्शन बी सी इक्वल टू ए डी। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है ए सी इक्वल टू बी डी। चौथा ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दीज, कौन सा इनमें से ट्रू होगा। तो जरा निकालते हैं बच्चों से, जरा सॉल्यूशन इसका फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपको जैसे ही रूट इक्वल दिखेगा, आप इक्वल दिखते ही क्या करोगे, सर रूट इक्वल, रूट का मतलब ये हुआ कि दौड़ के आया कौन डी, कि मैं जीरो और डी जीरो है। खुद सवाल ने बोला कि डी जीरो और डी जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, बी का मतलब आपका ये फोर और यहाँ पे बी सी प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के जगह पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। चार से चार कट गया भाई, कॉमन आके जीरो हो गया, कॉमन इधर हुआ उधर जाके जीरो बन गया। यहाँ स्क्वायरिंग किया गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी सब है ए बी सी डी माइनस, देखो यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, आपत्ति नहीं होनी चाहिए कोई। फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ कटना चाहिए। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं है क्या, देखो कट गया। ए स्क्वायर डी स्क्वायर कहीं है क्या, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, देखो ये इससे कट गया। क्या बच गया बच्चों, यहां से हमने माइनस कॉमन भी कर लिया, देखो क्या बच गया, इधर साइड में मैं लिख रहा हूं क्या बच गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी। फिर यहाँ पे ये आपका माइनस से प्लस हो गया, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो जरा देखो तो क्या यहाँ से, क्या ये आपका, देखो तो क्या ये ए सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू बी डी प्लस बी डी का होल स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर लिखा है, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर लिखा है और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ए सी माइनस बी डी इक्वल टू जीरो और ये हो गया आपका देयरफॉर ए सी बराबर बी डी। कौन सा ऑप्शन ट्रू बताओ, तो ए सी बराबर बी डी थर्ड ऑप्शन ट्रू। बोलो बात समझ में आए बच्चों। तो ये तो सवाल उसी के ऊपर चल रहे थे अभी तक, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो तो क्या आपके कंडीशन आएगी, ये हो गया। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं कि आपके इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ कैसे इनका हम ड्रा करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ ड्रा करेंगे, थोड़ा सा एक दो ग्राफ बिल्कुल ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इसके एक रफ आइडिया हमको मिल जाएगा कि हाँ हर टाइप के मतलब कॉस किस टाइप के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे या क्या इक्वेशन दिया होगा तो कैसे हम बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो अब हम इसके बाद आओ ग्राफ के ऊपर बात करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पे बात करेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने हेडिंग डाल दी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, एक तो बिल्कुल बच्चों की तरह ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ जैसे आपको किसी ने कह दिया, पहला ग्राफ बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे कक्षा 6-7 में बनाते हैं ना, उस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ
ड्रा द ग्राफ ऑफ, मान लो कोई सा भी एक रैंडम दिख रहा है, ऐसे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपसे कह दे, तो आप क्या करेंगे इसका ग्राफ, देखो पहले इसको देखो बिल्कुल बच्चों की तरह पहले ग्राफ बनाएंगे, पहले यहां पे x और y की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कुछ डायरेक्ट बनाने के बजाय एक बार बच्चों वाला ग्राफ बना के हम एक रफ आइडिया लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप शायद क्लास टेंथ में बनाए भी होंगे, पर फिर भी एक बार बना के अपन लोग चेक करेंगे। सबसे पहली x की सबसे सस्ती वैल्यू दिखती है जीरो, जीरो लिया आया चार, उसके बाद सस्ती वैल्यू दिखती है वन, वन लिया आया वैल्यू वन, तो चार और एक पांच माइनस टू थ्री, फिर लिया हमने माइनस वन, माइनस वन लिया तो ये वन प्लस टू प्लस फोर सेवन, फिर हमने लिया आपका टू, टू पे वैल्यू दिया है आपका, टू पे वैल्यू लिया तो कितना दे दिया हमको फोर, माइनस फोर कट गया चार आ गया, और फिर आपका तीन वैल्यू लिया तो नाइन माइनस सिक्स, नाइन माइनस सिक्स कितना हो गया बच्चों थ्री, और आपका फोर सेवन, फिर माइनस टू लिया, माइनस टू लिया तो चार और चार आठ और चार बारह, बहुत ज्यादा हो गया, इतना काफी हो गया। अब इसको इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे, उस पर इसकी वैल्यू डालना चालू करेंगे, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, पहला कह रहा है ये देखो जीरो है, पहला कह रहा है कि जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, जीरो पे इसकी वैल्यू फोर हो रही है, जीरो पे कहीं वैल्यू मैंने डाला यहाँ पे कि ये कहीं आपका चार है, मतलब ये जीरो का मां फोर पॉइंट है। अगला वन पे थ्री है, मतलब थोड़ा आगे गए तो ये वैल्यू थोड़ा नीचे लुढ़का, मतलब यहाँ कहीं आपका आया वन कामा थ्री, थोड़ा और आगे गए माइनस वन, पीछे गए तो माइनस वन कहीं पीछे गए, ये वैल्यू और ऊपर चढ़ के दिया माइनस वन पे सेवन वैल्यू दिया, थोड़ा और ऊपर चढ़ के दे दिया ये वैल्यू आपका। फिर आपका मैं एक अलग कलर का चौक भी ले लेता हूं, आपका फिर से यहाँ पे जब दो पे गए तो वापस ये दो पे जाते ही, जैसे ही हम यहाँ पे दो पे गए तो यहाँ से फिर ये वैल्यू आपका दे दिया दो एक, ये दो जैसे ही हम गए तो फिर ये वैल्यू चार दे दिया, मतलब वापस मुड़ के चला गया, ठीक है। तो ये x इक्वल टू वन था और यहाँ पे x इक्वल टू टू पे वैल्यू फिर से ये वापस चार दे दिया टू कामा फोर, जैसे ही तीन पे गए तो फिर ये तीन वाली वैल्यू आपका ऊपर चढ़ के दिया ये सात, मतलब ये आपका थ्री कामा सेवन। अब जरा देखो फिर ये माइनस टू पीछे गया तो कहीं ऊपर गया, अब इनको ही ज्वाइन कर देना है, ऐसे देखो ऐसे हमने ज्वाइन किया, ऐसे देखो ये जो ग्राफ बना है इसको थोड़ा अलग कलर दे दें, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये इस कलर के चौक से, देखो ऐसे ही ग्राफ बनेगा क्या, इस ग्राफ के बारे में खासियत क्या है, इस ग्राफ की खासियत क्या है, कुछ अगर इसके हम पॉइंट्स नोट डाउन करना चाहें तो इनके कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। पहला इसका पॉइंट नोट करते हैं कि इसके बारे में एक खासियत ये है कि ये जो इस तरह का ग्राफ बनता है या इस तरह का ग्राफ बनता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। इतना ही नहीं, इस तरह का जो शेप लेता है इसको भी पैराबोला बोलते हैं, या जो इस तरह का शेप लेता है सब पैराबोला होता है, लेकिन बस ये अंतर है कि ये वाला पैराबोला इस पैराबोला में और इसमें इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये वाला पैराबोला वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है या वाई एक्सिस के नीचे खुल रहा है, ये एक्स एक्सिस के तरफ है, एक्स एक्सिस के उल्टा खुल रहा है, सिर्फ ये फर्क होता है। पहला हम कहेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो है पैराबोलिक, ग्राफ ऑफ, ग्राफ जो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात यही जो बात लिखने जा रहे हैं यही काम की है, बहुत काम की ही बातें हैं, ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पैराबोलिक आया, पैराबोलिक। दूसरा पॉइंट अगर लिखे किधर की तरफ खुला है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसका ग्राफ खुला है, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। तीसरा अगर हम एक और बात कहें कि तीसरा इसकी हम बात करें कि क्या ये एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ कट किया है कि नहीं किया है, जरा देखो तो क्या एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ कट किया है क्या, नहीं कट किया है, मतलब ये ग्राफ डज नॉट कट, ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को कट नहीं किया मतलब कोई रूट नहीं हुआ, कोई भी फंक्शन या कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतना रूट होता है, ये बात हम जानते हैं, तो इसलिए कोई कट नहीं किया, डू डज नॉट कट एक्स एक्सिस, देयर फॉर नो रियल रूट, तो रियल रूट नहीं हुए तो फिर रूट कैसे हो गए, चौथा देयर फॉर हेयर हेयर इमेजनरी रूट, रूट कैसे हो गए यहां पे,
रियल तो नहीं हुए, लेकिन अगर एक्स एक्सिस से दूर से निकल जाए या ऊपर से या नीचे से, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के दूर से निकल जाए उस केस में आपका इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। तो इसके देयर हेयर इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। और कितने रूट होंगे? अब इमेजिनरी है तो क्या पता है, दो तो पक्की बात हुआ, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो आपके इमेजिनरी रूट जाएंगे। ये कुछ बातें अभी तक हम इस पैराबोला से बता पा रहे हैं कि पैराबोला ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ खुल रहा है, पैराबोला बन रहा है, यानी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हम एक और सवाल आपके सामने रखें, जैसे हमने कहा कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिंपल सरिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ग्राफ लिया, फिर से वही x और y का फिर से हम वैल्यू यहां रखेंगे और यहां पे वैल्यू रख रख के इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। देखो पहली वैल्यू हमने रखा x एक्सिस की, 0 रखा आया 2, 1 रखा 1 प्लस 2 3 0 आ गया, फिर हमने रखा आपका माइनस 1 रखा तो माइनस 1 तो प्लस 1 प्लस 3 5 प्लस 4 ये प्लस 2 प्लस 6 हो गया, फिर हमने 2 रखा तो 4 माइनस 6 प्लस 2 0 हो गया, फिर और रखा और कुछ वैल्यू रखेंगे तो इतने से नहीं, 1 2 3 से नहीं काम चलेगा, थोड़ा और रखेंगे। और यहाँ पे हमने दो वैल्यू रखने की प्लान में है हम, तो अब हमने रखा आपका माइनस 2 रखा तो प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 12, फिर हमने 3 रखा, 3 रखते ही 9 मतलब 9 माइनस 9 0 ये आ गया 2, ठीक है। और एक आध वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 6 6 बहुत होता है, बहुत हमने रख दिया। अब हम रखते हैं इस बार ये आपका, ये आपका वैल्यू रखा हमने, क्या वैल्यू रखा हमने, क्या दिया कि जीरो पे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। जरा देखो तो बच्चों, जीरो पे वैल्यू दिया 2, जीरो पे कहीं वैल्यू दिया 0, 2, अच्छा 1 माइनस 1 पे दिया 6, माइनस 1 कहीं लिया तो और ऊपर चला गया ये माइनस 1, 6 कुछ और ऊपर चला गया, 2 पे दे दिया 0 यहां कहीं 2 ये कहीं यहां पे, 1 पे कितना दिया, 1 पे भी दिया 0, 1 पे दिया ये 0 मतलब ये आपका पॉइंट हो गया 1, 0, कहीं 2 पे भी दिया आपका 0, 2, 0 पे भी ये 0 दे दिया, माइनस 2 पे कुछ और ऊपर ऊपर चला गया तो हम छोड़ रहे हैं नहीं जगह है, 3 पे आपका, 3 पे ये कुछ आपका फिर से यहां वाली वैल्यू दिया 3, 2 जब x इक्वल टू 3 लिया तो। अब जरा इसको मिला दो, ऐसे मिलाओ इस वाला चौक से, मिला रहे देखो इस वाले चौक से मिला रहे, ऐसे ग्राफ बनता हुआ आ गया, ऐसे देखो तो ऐसे ये चला गया, आ रही बात समझ में। तो ये आपका ग्राफ बन गया, क्या इस वाले ग्राफ को भी के बारे में अगर कुछ हम जानकारी लिखे हैं तो पहली जानकारी आपके सामने क्या है, पहली जानकारी ये है सर कि ये आपका ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक ग्राफ। सर जी पैराबोलिक के अलावा और कैसा है, किधर की तरफ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, सेकेंड पॉइंट कैसर खुला हुआ है, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। तीसरा पॉइंट बताओ क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, तो कट द, कट एक्स एक्सिस कितने जगह पे कट किया, एट टू पॉइंट, कितने जगह पे कट किया ये, एट टू पॉइंट, फिर टू पॉइंट पे कट किया मतलब, इसका मतलब चौथी बात क्या हम लिख सकते हैं, इसका मतलब टू रियल रूट्स। और कहां कहां पे कट किया है, टू रियल रूट्स, इस बार ऐसी जगहों पे कट किया है जिनको कि हम बता सकते हैं, इस बार x इक्वल टू 1 पे कट किया है और x इक्वल टू 2 पे कट किया है, तो ये दोनों रूट्स हो जाएंगे। अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, एक और सिंपल सी बात बताता हूँ यहाँ पे कि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो वैल्यू है, ये जो ये वाली वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी नहीं पता कितनी आ रही है, पर ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। किस जगह पे आ रही है, तो इस जगह पे आ रही है, तो इस वाला ये वाला पॉइंट कहेगा कि यहाँ पे एट दिस पॉइंट गिव्स मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्यों, मैं मिनिमम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके नीचे ग्राफ गया ही नहीं, यहां से नीचे नहीं गया, सबसे मिनिमम ये हुआ, इसके बाद ऊपर ही ग्राफ है। वही सेम हालत यहां भी है, क्या है यहां पे कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू कहलाएगी, जो भी आएगी, पता नहीं है क्या आएगी, लेकिन जो भी आएगी
और क्या आएगी वो थोड़ी देर बाद अपन निकाल भी लेंगे कि क्या आएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू कहलाएगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और अच्छा जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट कुछ होगा, ये वाला जो भी पॉइंट होगा देखो यही आ रहा है, तो इस पॉइंट बोलेंगे कि एट दिस पॉइंट गिव्स मिनिमम। अभी थोड़ी देर बाद हम पता करेंगे कि ये किस पॉइंट पे देगा, पॉइंट कौन सा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों बात पता करेंगे। तो ये ग्राफ है, अभी तो मैं दो ग्राफ लिया हूं, दो ग्राफ और मेरा लेने का मन है, दो नहीं तो कम से कम एक ग्राफ और हम बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी जो ग्राफ बनाया दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमने पॉजिटिव रखा है। देखो ए भी एक्स स्क्वायर कोफिशियंट पॉजिटिव रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव रखा है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर कोफिशियंट निगेटिव रखते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है इसके बारे में बताने वाले हैं। मतलब क्या एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या रखेंगे, निगेटिव। जैसे इसी सवाल में मैं थोड़ा सा फटाफट चेंज कर देता हूं, इसी सवाल में कि अगर हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निगेटिव कर दिया उस केस में इसका कैसा ग्राफ बनेगा और क्या वैल्यू आएगी वो हम निकाल देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हम निगेटिव कर दिए, मतलब क्या कर दिए, सिंपल ये कर दिए माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर दिया हमने कि अब इसी का ग्राफ ड्रा करना है, माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। माइनस एक्स स्क्वायर करते ही जरा बताओ एक्स और वाई अभी भी आज के दिन में भी वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, आज के दिन में भी वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की। जिस दिन जीरो लिया उस दिन फिर से चार देगा, वन लिया तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस फोर वन दे दिया, फिर माइनस वन लिया तो माइनस वन प्लस टू प्लस फोर, चार और दो छह माइनस वन प्लस फाइव, माइनस टू लिया तो या देखो माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो गया, ये आ गया वैल्यू फोर। अच्छा प्लस टू लिया तो देखो माइनस फोर प्लस फोर कट गया, फिर से वैल्यू दे दिया चार, माइनस टू जीरो पे भी चार दिया, माइनस टू पे एक बार और चेक करने का मेरा मन कर रहा है, माइनस टू पे ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस टू का स्क्वायर फोर, और आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका ये माइनस माइनस प्लस टू तो प्लस फोर, तो प्लस फोर से प्लस फोर कट गया, ये आ गया जीरो, टू पे आ गया माइनस फोर माइनस एट प्लस फोर आपका माइनस फोर आया, सॉरी देखो ये तो यही तो गड़बड़ हो गया, माइनस फोर आया। और माइनस वन पे तो माइनस वन माइनस टू सही है, फिर आपका मैं तीन पे निकालता हूं माइनस नाइन माइनस सिक्स, माइनस पंद्रह प्लस चार माइनस ग्यारह, और मैंने लिया आपका माइनस तीन पे वैल्यू लिया, जरा माइनस तीन पे चेक करते हैं, माइनस तीन पे क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा माइनस नाइन प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस वन आ गया, देखो प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टेन माइनस नाइन प्लस वन, ठीक है इतना काफी है अपने लिए। अब इसकी जरा वैल्यू निकालना चालू करते हैं, आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करना चालू करते हैं। वाई एक्सिस पहले देखो जीरो पे वैल्यू कितना दे रहा है, जीरो पे सीधी है चार, सॉरी थोड़ा और ऊपर करते हैं जीरो कामा फोर, ठीक है। वन पे कितना दिया, थोड़ा आगे गया तो ये आया वन, मतलब काफी नीचे आया ये वन कामा वन, यहां कहीं वन कामा वन, फिर थोड़ा और आगे गए पीछे गए माइनस वन पे थोड़ा और वैल्यू ऊपर दिया, यहाँ माइनस वन पे एक बार चेक करना बनता है माइनस वन पे, तो ये हो जाएगा माइनस वन और माइनस माइनस प्लस टू, तो ये हो जाएगा प्लस टू प्लस फोर सिक्स माइनस वन यानी प्लस फाइव, यानी माइनस वन पे वैल्यू थोड़ा और ऊपर जाके दे आया आपका, ये आपका दे आया आपका माइनस फाइव, मतलब माइनस वन कामा फाइव, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, स्टिल सही है सब कुछ। फिर हम आगे गए माइनस टू पे, माइनस वन के बाद माइनस टू पे, जैसे ही हम माइनस टू पे गए थे वैल्यू नीचे लौटा और यहाँ कहीं आपका दे दिया माइनस टू पे, यहाँ पे कहीं दे दिया माइनस टू का मा फोर, वैल्यू नीचे लेके लौटा पांच से नीचे आया। फिर तीन पे ले गए तो ये माइनस ग्यारह पे चला गया, तीन पे जाते ही माइनस ग्यारह गया, देखो प्लस नहीं प्लस दो पे पहले माइनस फोर गया, यहाँ पे हुआ ये प्लस टू, ये वन है ये टू है, प्लस टू पे ये चला गया माइनस फोर, यहाँ कहीं मैंने कहा कि ये आपका टू कामा माइनस फोर है। फिर तीन पे ले गए तो ये तीन पे यानी तीन के आसपास ये चला गया, तीन के आसपास बहुत नीचे तीन कामा माइनस ग्यारह, और आपका माइनस तीन पे यानी यहाँ कहीं माइनस तीन पे कुछ ये वन के आसपास आया, यहाँ कहीं हुआ आपका माइनस तीन कामा वन, ठीक है। अब जरा इनको मिलाओ तो क्या मजबूरी आ रही है, क्या इनको मिलाने की मजबूरी हमारी यही है क्या, देखो तो क्या ऐसे ही मिलाना पड़ेगा, क्या ऐसे नीचे जा रहा है यहां से भी ये कुछ कुछ ऐसे
ऐसे नीचे के साइड में ऐसे कुछ ये बढ़ रहा है, देखो ऐसे कुछ बढ़ता चला जा रहा है क्या, ये नीचे के साइड में ऐसे ये ऐसे कुछ बन रहा है क्या जाना, देखो तो बच्चों क्या इसके अलावा और कोई चांस च्वाइस है क्या, क्योंकि ये नीचे आगे जाने पे नीचे जा रहा है, पीछे भी जाने लगे तो ये नीचे आने लगा, मतलब हर बार ये नीचे ही जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ बना इस तरह का, ये दिख रहा है कि फिर से है तो पैराबोला ही, क्या है फिर से ये है पैराबोला ही, लेकिन इस पैराबोला की खासियत बदल गई, इस बार ये पैराबोला नीचे खुल गया, किधर खुल गया नीचे खुल गया, एक्स एक्सिस कितने बार कट किया दो बार, मतलब कितने रियल रूट होंगे दो, तो थोड़ी सी जो चीजें हैं वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा सा हल्का सा ये जो आप इनके बारे में लिखे हैं ग्राफ के बारे में यहाँ पे, इसको फटाफट चेंज कर लेते हैं इस ग्राफ के लिए पर्टिकुलरली, कि क्या क्या चेंजेस कर लेंगे, पहला ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तीसरा है, ये हमने तीसरा ले रखा है, तो यहाँ पे तीन डाल दिया, क्या हो गया ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से पैराबोलिक आया, सेकेंड पॉइंट ओपनिंग डाउनवर्ड, तीसरा कट कर रहा है, कट द एक्स एक्सिस कितने जगह पे, दो पॉइंट पे कट किया, तो तीसरा चौथी बात तब क्या, तो दो पॉइंट पे कट किया तो कितने रियल रूट, तो इसके रियल रूट रहेंगे टू रियल रूट्स, और क्या क्या होंगे तो नहीं पता, क्योंकि वन से टू के बीच में कुछ एक है और एक तीन से कहीं आगे है, माइनस तीन से कहीं पीछे है, तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन दो रियल रूट्स, ये चार बातें हम जान रहे हैं, मतलब एक बात हमने देखा कि सिर्फ हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का साइन चेंज किया है, माइनस किया नीचे की तरफ खुल गया, प्लस किया था ऊपर की तरफ था, बस यही काम था ना, कि माइनस किया इसको तो नीचे की तरफ ये पैराबोला खुल गया, मैंने नीचे की तरफ बना और यहां प्लस था तो ऊपर की तरफ बना, तो इसी के बेसिस पे अब हमारा कंक्लूजन रेडी है, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं कंक्लूड करने के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अपना तीन तरह के हमने देख लिया कि तीन तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना देख लिया, अब उन सबको एक साथ आओ कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूड करने का मतलब ये हुआ कि अगर चौथे पॉइंट पे बात करें, कंक्लूड करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी कुछ बातें अपन लोग कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड करने का मतलब ये कि इसमें जो क्या क्या बातें पता चली, कि इसमें पहली बात ए पता चला ये कि अगर आपका ए पॉजिटिव, याद करो अभी थोड़ी देर पहले जब इसका कोफिशियंट यानी एक्स स्क्वायर कोफिशियंट जब हम पॉजिटिव रखे थे तो पैराबोला किधर की तरफ खुल रहा था, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ये खुल रहा था, ऐसे खुल रहा था इस टाइप का। और अगर यही बी ले लेता हूं कि अगर मान लो कि ए, अच्छा इस ए का और क्या नाम है, इस ए का एक और नाम है आप जानते हो कि लीडिंग कोफिशियंट, नाम है कि नहीं बच्चों बताओ, इसका एक और नाम हम क्या भी पिछले दिन बताए थे कि लीडिंग कोफिशियंट है, तो लीडिंग कोफिशियंट ए पॉजिटिव, ये मतलब हुआ दूसरा ये भी कि लीडिंग कोफिशियंट, तो आपका ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसे वाला ग्राफ बनेगा, और इफ आपका ए मतलब कि लीडिंग कोफिशियंट, ए मतलब कि लीडिंग कोफिशियंट अगर आपका ये निगेटिव हो जाएगा, उस केस में पैराबोला के बारे में क्या ख्याल है, उस केस में पैराबोला जो होगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड यानी उस केस में पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा, यानी कुछ इस टाइप का खुल जाएगा। सी पे जरा आते हैं, जो डी था आप निकाल लो के देखना, जो डी है अगर डी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस को कितने बार, दो बार कट करना चाहिए, तो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये बताएगा कि ग्राफ कट द एक्स एक्सिस कितने जगह पे,
एट टू पॉइंट, दो पॉइंट पे इसका ग्राफ कट करेगा, और अगर डी इज इक्वल टू जीरो हुआ तो ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ टच द एक्स एक्सिस। इस केस में इसका क्या मतलब हुआ, टच करने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपका ये एक्स एक्सिस है तो ये टच करेगा। इसका मतलब ये होता है कि डी इक्वल टू जीरो का कि दोनों रूट इक्वल है, मतलब दोनों एक ही रूट हो गए, तो वो ग्राफ इसका या तो टच करके ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, तो ग्राफ इसका टच करेगा। तीसरा, अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो ग्राफ ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस से अवे निकल जाएगा, दूर से निकल जाएगा, तो ग्राफ Neither touch nor cut the x-axis। इसका दूसरा मतलब यह है that is graph away from x-axis, x-axis से दूर निकल जाएगा, away from x-axis। एकदम ध्यान देना बच्चों, बस बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, x-axis से दूर से निकल जाएगा, ना कट करेगा ना टच करेगा अगर d less than 0 होगा। और इस केस में हम बोलते हैं कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। कैसे रूट होंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट होंगे, क्योंकि x-axis को कट किया नहीं तो इसके कोई रियल रूट बना नहीं, तो इस केस में आपके रूट से हो जाएंगे इमेजिनरी। एक और बात पे आते हैं, पांचवे नंबर पे, इसी के साथ साथ कि ये तो हम इसको देख लिया, अगर पांचवे नंबर की बात जरा सा छोटा समय लेता हूं कि अगर मैं तीन ठो ग्राफ बना देता हूं, दो तीन ग्राफ बनाता हूं और आपसे मैंने पूछ लिया, जैसे मान लो ये है एक, ये ग्राफ मैंने बनाया, एक ये है एक ये ग्राफ बनाया, एक ये है एक ये ग्राफ बनाया, तो ये तीन ग्राफ दिख रहा है, ए पहला, दूसरा और तीसरा। हमें इन तीनों ग्राफ में ए और डी का साइन डिसाइड करना है, यानी डिसाइड द साइन ऑफ ए एंड डी, यानी लीडिंग कोफिशियंट और आपका लीडिंग कोफिशियंट और डिस्क्रिमिनेंट का साइन डिसाइड करना है। तो बोलो ये सबसे पहले नीचे की तरफ खुला है, तो सबसे पहले पता चल गया कि ए जो होगा वो आपका निगेटिव होगा, पक्की बात है। अच्छा, क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है या दूर से निकल रहा है, बताओ। तो एक्स एक्सिस को ये दो जगह पे कट कर रहा है, तो डी पक्की बात है आपका होगा पॉजिटिव। इसके केस में ऊपर की तरफ खुला है तो ए हो गया पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस से दूर निकल गया, एक्स एक्सिस से दूर से चला गया, तो ए हो गया आपका डी निगेटिव। ये देखो नीचे की तरफ खुला है तो ए हो गया निगेटिव, और आपका एक्स एक्सिस से ये भी दूर से चला गया तो ए हो गया आपका डी पॉजिटिव, डी आपका निगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है। मान लो मैंने चौथा एग्जाम्पल लिया कि सर जी एक ये वाला एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल लिया और एक और ग्राफ बनाया हमने कि सर जी ये वाला ग्राफ बनाया हमने, एक और एक ग्राफ लिया हमने, एक और बनाया कि सर जी ये वाला बना दिया हमने। अब जरा देख के बताना कि इसका ए और डी के बारे में क्या ख्याल है। अब कहना कि सर जी ये भी तो ग्राफ जो है कि एक एक्सिस से दूर है, पहले बात है कि ऊपर की तरफ खुल रहा है तो ए तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव। अब बताओ एक्स एक्सिस से दूर है कि एक्स एक्सिस के कट कर रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बताओ जरा देख के बताओ। तो जवाब क्या कि सर जी ये भी तो एक्स एक्सिस से दूर है, कहां कट किया आपने, ग्राफ बनाया ही नहीं है। बेटा ग्राफ नहीं बनाया है, इसका ये मतलब कि नहीं कट नहीं कर रहा है। ये देखो आगे तरफ बढ़ेगा, ये भी आपको कुछ ऐसे आगे तरफ बढ़ेगा पूरा, तो ये एक्स एक्सिस को दो बार कट किया, मतलब डी कैसा पॉजिटिव। ये जरा देखो तो ये नीचे की तरफ खुला था ए निगेटिव, और जरा देखो ए निगेटिव, और जरा बताओ क्या ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे टच किया है क्या, सॉरी एक्स एक्सिस को ये टच किया है क्या, और टच करेगा तो इसके हिसाब से डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक बात पक्की है कि डी इक्वल टू जीरो, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है तो ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस को टच किया है मतलब डी इक्वल टू जीरो। ये आपका पूरा आपकी सिस्टम पूरा बन गया। जरा सा मैं थोड़ा सा और इसको आगे बात करता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा और आगे इसको दिखाता हूं मैं यहीं पे। देखो अभी तो अपने हम लोग इसका साइन डिसाइड कर रहे थे, पर इसके अलावा एक और चीज अब आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तभी मैं इसको रब कर रहा हूं, हटा रहा हूं। देखिए आप इसको, मुझे उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा आपने, फटाफट नोट कर ले फिर मैं इसको हटा के इस पे एक और चीज बता रहा हूं। क्या है कि आपका यहां पे जो
ये ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ जो बनता है ये वाला, तो ये जो ग्राफ है इसमें ये वाली जो जगह है, इस वाली जगह को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या हम बोलते हैं? वर्टेक्स। और वर्टेक्स का क्या, अगर देखो ये वाली, इसको एक और बात कल बताया था कि ये वाली जगह पे होता है मिनिमम। देखो ऐसे ग्राफ बनेगा तो हमेशा क्या देगा? मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देगा। और किस जगह पे देगा? तो दिस पॉइंट पे गिव्स मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे। और इसका नाम है वर्टेक्स। तो हम चाहते हैं वर्टेक्स को थोड़ी देर के लिए निकालना। देखो कैसे वर्टेक्स को निकालेंगे, तो छठे नंबर का पॉइंट में ले लिया y इज इक्वल टू, जो अपने पास अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पूरे में से a कॉमन कर लिया तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c। अच्छा अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास, यहाँ पे एक और चीज लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे मैंने 2 लिखा इंटू बी बाई टू इंटू एक्स लिखा इंटू बी बाई टू एक साथ लिखा। देखो अभी भी बैलेंस होके यही बात लिखी गई है, तो बी बाई टू ए का स्क्वायर से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और बी बाई टू ए का स्क्वायर यहाँ पे मैंने घटा दिया, जोड़ दिया और घटा दिया प्लस सी, ये कर दिया। यहां से ये आया आपका, देखो तो ए, इतना ज्यादा ध्यान से देखो तो ये क्या बात लिखी गई है, क्या ये x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिखा है क्या बच्चों? इतनी पूरी बात x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर बाई फोर ए प्लस सी आपका है। यहां से आया a, ये हो गया x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस, कॉमन कर लिया और एलसीएम ले लिया 4a, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बोलो ठीक है, इसी को क्या नाम दे रहे थे अपन लोग, अब a से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे a हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस a, आपका a से ये काट देगा और इसका पूरे का नाम d है, तो d अपॉन, ये d अपॉन 4a। बोलो बात समझ में आई। और ये y बराबर d अपॉन 4a को इधर लेके चला आया था, डी वाई प्लस डी अपॉन 4a आ गया आपके पास ये, और ये बच गया a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए। सोच रहे हो कि सर इतना सब कर क्यों रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको मैं इस पैराबोला का वर्टेक्स बताने वाला हो, बाकी ये चीज डायरेक्ट हम यहां से आपको याद करवा देंगे, जब पैराबोला पढ़ेंगे उसके उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर जी यहाँ पे क्यों किया गया था। वहां फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि ये भी एक पैराबोला है और इस पैराबोला कैसे वर्टेक्स निकालते हैं। इसका अगर वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स हो जाएगा आपको इसके बराबर, पूरे वाई को जीरो कर दो, मतलब वाई बराबर माइनस डी बाई फोर ए आ गया, यानी वाई प्लस डी बाई फोर ए इक्वल टू जीरो कर दो, जहां से आ गया आपका वाई बराबर माइनस डी बाई फोर ए, और आपको इसको पूरे को जीरो कर दो, x प्लस बी बाई टू ए को जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी बाई टू ए। सर जी ये जीरो क्यों करते हैं? क्योंकि पहले हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि ये कैपिटल y बराबर a x कैपिटल x स्क्वायर है, तो हम कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पे क्या आया? वर्टेक्स क्या आया? फाइनली वर्टेक्स क्या आ गया हमारे पास? आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा x कामा वाई लिखा जाता है, तो x कामा वाई का मतलब हो जाएगा वर्टेक्स को, जरा बताओ x की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, और y की वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई फोर ए। बोलो बात समझ में आया? क्या अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ये y इक्वल टू 2a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? इसका वर्टेक्स ये है। इसका मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का क्या मतलब होता है? देखो अगर a पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला कैसा खुलेगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? कैसा खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा सर। अगर ऊपर की तरफ खुलेगा मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू देगा, तो हम कहेंगे इफ y इक्वल टू a ग्रेटर देन जीरो देन मिनिमम वैल्यू, आपका हमेशा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाई की होती है, तो मिनिमम वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, और कहां पे? एट एक्स इक्वल टू आपका माइनस बी बाई टू ए। और अगर आपका ए निगेटिव होगा, अच्छा ये भी सर, ये भी आपके लिए दिक्कत है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जितना सब देखना पड़ेगा? तो नहीं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए सिर्फ इसका यूज करना, इसका यूज करना, बाद में ए को देख लेना है। अभी उसको भी लिखा देता हूं, if a negative then
मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी अपॉन फोर ए, और कहां पे सेम चीज एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। बोलो बात समझ में आया, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो ये अपन लोग इसके वर्टेक्स से पता करते हैं। अभी पिछले दिनों आपको कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिए थे, आज भी एग्जाम्पल्स लेके अभी हम दिखाएंगे कि कैसे इसके वर्टेक्स से कैसे हम इसके वर्टेक्स निकालेंगे, कैसे मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे, और वर्टेक्स निकालने का कोई और भी मेथड है कि नहीं, वो सब चीज देखेंगे बस इसके अगले वाले बोर्ड के साफ करने के बाद। आओ अगले बोर्ड अगले बार लिखते हैं अपन लोग। तो अभी तक हमने अभी क्या देखा, इस जस्ट अब पिछले वाले इसमें देखा, जस्ट पिछले बोर्ड पे देखा हमने कि आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हमने लिखा कि वर्टेक्स लिख लिया हमने माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। यानी आपका जो आज के दिन पे अगर मान लो अपने वाला ग्राफ कुछ ऐसे है, तो जो ये वाली जगह है, ये वाली जो यहाँ पे y की वैल्यू है वो माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होगी, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए है, और जो ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ वाली ये वाली वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए है। ये बात अपन लोग पता किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे लिए, क्या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी या नहीं थी, y x स्क्वायर प्लस बी प्लस सी थी। अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि सर आपको यह क्या हमेशा इसको याद रखने की जरूरत है, तो याद भी रख सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि वर्टेक्स कैन बी ऑब्टेंड बाय डिफरेंशिएशन। इतना तो डिफरेंशिएशन फिजिक्स में आपने सीख ही लिया है कि हम इसको बता सकते हैं कि आपने क्या ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाले, क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, देख लो स्टेप में लिखूंगा नहीं, एक बार के लिए बता रहा हूं, समझ लो एक ही बार। डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी, इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। जैसे ही जीरो के बराबर पुट करोगे तो एक्स बराबर माइनस बी बाई टू ए आ गया। सर जी ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपको पता करने के लिए ट्वेल्थ के मैक्सिमा मिनिमा का इंतजार करना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों, ऐसा क्यों दिखता है। ट्वेल्थ के मैक्सिमा मिनिमा का इंतजार करना पड़ेगा चैप्टर का। x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए आ गया, और यहां वाली जो वैल्यू आ गई उसको उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो a माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस बी इंटू बी बाई टू ए प्लस सी, इसको सॉल्व करो तो माइनस डी बाई फोर ए आ गया। बात समझ में आ रही है। तो आपको अगर मान लो माइनस बी बाई टू ए और डी बाई फोर ए निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप फटाफट डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे अगर मैंने एक सवाल लिखा कि फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी हो रहा है, मिनिमा वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन, ठीक है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो पहले ये बताओ कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा, पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, क्या होगा। तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो a निकालना है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पांच, ये बताओ पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव आते ही हम क्या कहेंगे कि मैक्सिमा देगा या मिनिमा, तो आप कहोगे सर मिनिमा देगा। किस पॉइंट पे देगा, तो एक तरीका जो मैं बताया डीवाई बाई डी एक्स वाला, तो हम डीवाई बाई डी एक्स अपनाएंगे, क्या करेंगे डीवाई बाई डी एक्स का मेथड अपनाएंगे। डीवाई बाई डी एक्स मतलब जरा देखो, टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस थ्री बाई टेन। अब इसको तो यहां इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट पे मिनिमा वैल्यू देगा, मतलब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टेन गिव्स मिनिमम। अब फीलिंग मतलब फील लो, इसका फीलिंग समझो कि ये क्या कहना क्या चाहता है, ये मिनिमम देगा। और क्या हो जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, कई बार इसको वाई मिनिमम भी लिखा जाता है ऐसे, इसको उठा के इसमें रख दो, तो फाइव इंटू माइनस थ्री बाई टेन का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री बाई टेन माइनस सेवन, ये हो गया आपका। देखो ये नाइन बाई हंड्रेड में पांच से डिवाइड किया तो नाइन बाई ट्वेंटी हो गया, माइनस नाइन बाई टेन हो गया, माइनस सेवन हो गया, एलसीएम ट्वेंटी हो गया, ये आपका नाइन
माइनस 18 माइनस ये 140 शायद हो रहा होगा, 140 सब घटा दो तो ये हो जाएगा 149 माइनस अपॉन 20, आई थिंक यही आंसर है आपका। तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई, बात समझ आ रहा है। अगर सर जी हम वैसे निकालते तो y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 का हम मिनिमम यानी वर्टेक्स निकाल के करते, तो अगर कोई हमसे वर्टेक्स पूछता तो भी हम यही बात करते कि ये माइनस b बाई 2 का माइनस d बाई 4 होता, और इसका आंसर आ चुका है हमारे लिए, कितना आ चुका है माइनस 3 बाई 10 कामा माइनस 149 बाई 20। बट बेटा ये तो अपने आंसर हमने पीछे से निकाला है, अगर हम कहें कि इस वर्टेक्स के लिए पहले माइनस b बाई 2a की वैल्यू निकाला जाए, तो देखो b की वैल्यू है 3, तो माइनस 3 अपॉन 2 इंटू ए के जगह पे 5, क्या ये माइनस 3 बाई 10, बोलो आ गया क्या यहाँ पे सही जगह पुट हुआ है। अब जरा t की वैल्यू निकालते हैं, माइनस d बाई 4a की बात करते हैं, माइनस d के जगह पे आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, माइनस b के जगह पे 9 माइनस 4a के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, a के जगह पे आपका हो गया 5 और c के जगह पे हो गया माइनस 7 अपॉन 4a 4 into 5, देखो 7 ये 20 7 जा आपका 140 और प्लस 9 149, तो माइनस 149 हो गया अपॉन 20 माइनस d बाई 4a, बोलो बात सही है कि नहीं, वर्टेक्स आ गया कि नहीं, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ऐसे में ये भी आपके पास कोई तरीके कोई दिक्कत नहीं है, और आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं वर्टेक्स निकालने का, लेकिन ये मिनिमम दिया मैक्सिमम दिया, ये कैसे डिसाइड हुआ, a के साइन से, a का साइन अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम मिनिमम, और एक साइन नेगेटिव है तो मैक्सिमम। ये सब चीजें कहां से आती है, कैसे फील आती है, इसके लिए आपको 12th का मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, या आपको फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तो सिस्टम के स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उस केस में भी आपको ये चीजें दिखाने को मिलेगी, ये चीजें वहां पर बताया जाएगा, तो यू कैन रिलेट जस्ट This thing to that thing, आप आराम से कर सकते हैं ऐसा। तो ये अपने पास रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करने का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्टेक्स निकालने का तरीका, वर्टेक्स के साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा निकालने का भी तरीका। जैसे मान लो मैं एक और सवाल आपके सामने रख देता हूं, सवाल मैंने एक छोटा सवाल रखा, फाइंड मैक्सिमम, अभी एक और चीज पढ़ेंगे थोड़ी देर आगे, थोड़ी देर बाद मैक्सिमम मिनिमा निकालने के बाद थोड़ी देर बाद आप लोग हम पढ़ेंगे रेंज निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालना, वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सब इसी के बेसिस पे आता है, माइनस बी बाई टू माइनस डी बाई फोर के ही बेसिस का इसका यूज करना पड़ता है हमें उसमें भी निकालने के लिए। तो फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर मुझे मेथड 1 अप्लाई करना होगा तो हम कहेंगे मेथड 1 के लिए कि सर हम इसका जो वर्टिक्स है वर्टिक्स निकाल लें, तो वर्टिक्स निकाल लें उसमें माइनस b बाई 2a कामा माइनस d बाई 4a हो जाएगा, यहां से y इक्वल टू मैक्सिमा होगा कि मिनिमा पहले ये बताओ a इक्वल टू क्या है माइनस टू होते ही निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा। तो इस बार हम कहेंगे कि y मैक्सिमा हो जाएगा क्या माइनस डी बाई फोर ए, किस पॉइंट पे एट माइनस बी बाई टू ए पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मेथड वन लगाए तो पहले हम x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए निकालेंगे, माइनस बी के जगह पे हमने माइनस माइनस प्लस सिक्स कर दिया, टू ए के जगह पे हमने यहाँ पे माइनस टू डाला, तो ये हो गया आपका 6 बाई फोर माइनस फोर मतलब माइनस 3 बाई टू, ठीक है। अब जरा निकालें y इक्वल टू आपका y मैक्सिमम हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए माइनस डी के जगह पे आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए माइनस डी बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस, बोलो मेरे साथ साथ जोड़ो, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 into 2 into 9 4 2 8 9 72 बोलो सही है, अपॉन 4 इंटू ए के जगह पे 28 36 और 72 जोड़ दो शायद 108 होता है, 36 और 72 जोड़ेंगे तो शायद 108 होता है, तो माइनस 108 बाई 8। अगर आप एक बार काटने की कोशिश करो जरा देखो तो क्या दे रहा है वैल्यू, माइनस अगर कट रहा है क्या, 1 टाइम और 28 नहीं कट रहा है,
रहा ये, तो चार से तो कट ही रहा होगा, चार से कट रहा होगा, ये हो गया टू और सेवन अपॉन टू, 27/2। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आया माइनस 27/2 किस मेथड से? हमने निकाला है माइनस बी बाई टू ए वाले मेथड से। अगर हम इसको इस मेथड से ना निकालते, अगर हम निकाल रहे होते इस केस में, अगर आप माइनस बी बाई टू ए वाले से डिफ्रेंसिएशन से निकाल रहे होते तो क्या निकल के आता? अगर मान लो मेथड सेकेंड की हम बात करें, मेथड सेकेंड बाई डिफ्रेंसिएशन, ये तो हमने वर्टेक्स से निकाला बाय डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन से निकालते तो हम पहले लिखते डी वाई बाई, पहले तो y बराबर लिख देते, y बराबर क्या है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालते, ये हो गया माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसको बराबर जीरो कर देते, उधर भेजा x इक्वल टू आ गया माइनस थ्री बाई टू, देख लो बच्चों प्लस सिक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर, तो माइनस थ्री बाई टू। फिर आपका वाई मैक्सिमम या मिनिमम ये डिसाइड किया ए, तो ए आपके नेगेटिव है तो वाई मैक्सिमम दिया, और वाई मैक्सिमम के लिए उसको उठा के इसमें क्या करेंगे रख देंगे, तो होगा माइनस टू माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस नाइन, एक दो से दो कट गया माइनस नाइन बाई टू हो गया, प्लस आपका तीन से तीन कट गया नाइन हो गया, प्लस नाइन हो गया, बोलो ये एटीन, बोलो कितना हो गया ये माइनस नाइन बाई टू प्लस एटीन, और इसमें अगर हमने माइनस नाइन एलसीएम ले लिया प्लस 36/2 तो आंसर हो गया माइनस 27/2। बोलो देखो यही प्लस 27/2, क्या वाई मैक्सिमम की वैल्यू वहां भी वही आया था, क्या वहां भी वही आया था, वहां पे माइनस कहां से आ गया था, यहां से माइनस कहां से आ गया था, माइनस डी बाई फोर है, जरा इसको चेक करो कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कि या तो यहां पे कहीं गड़बड़ हुआ होगा, या तो यहां पे कहीं गड़बड़ हुआ होगा, या तो वहां पे गड़बड़ हुआ होगा, एक बार चेक कर लो, यहां पे जरा चेक करो माइनस डी बाई फोर है निकाला, माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हो गया आपका 36 माइनस फोर ए सी, फोर टू जो एट और ये आपका 72, तो 36 में से आपका 72 निकलेगा, 72 में 36 निकलेगा जो जुड़ जाएगा 108/4। अच्छा ए ए ए ए ए के जगह पे माइनस टू, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एट और ये मिलके हो जाएगा प्लस, ये देख लो बच्चों यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस 72/27/2, तो वाई मैक्सिमम यहाँ से भी यही बात आया और यहाँ पे भी यही बात आया आपका, यानी वर्टेक्स अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे बोलो माइनस 3/2, 27/2। तो ये आपका हम निकालना क्या सीख रहे थे, वर्टेक्स मैक्सिमा मिनिमा, चाहे ए निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अब अगर 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 हम आगे थोड़ा इसको और एक्सटेंड करेंगे, अभी थोड़ा और इसको एक्सटेंड करने के बाद हम इसमें रेंज निकालना सीखेंगे, अभी तक बस हमने मैक्सिमम मिनिमा निकाला है इतने से। अब थोड़ा इस टॉपिक को यही रोक के थोड़ा और आगे दूसरा टॉपिक एक्सटेंड करते हैं, दूसरी चीजें पढ़ने आगे बढ़ते हैं, बाकी इसका रेंज में अभी थोड़ी देर बाद, यानी अगले हो सकता है अगले लेक्चर तक आपको रेंज सीखने को मिलेगा। रेंज में हम इसका पूरा माइनस डी बाई फोर ए प्लस डी बाई फोर ए का यूज करेंगे। अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव होता है, अगर ए पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर की तरफ खुलता है, ए निगेटिव होता है तो नीचे की तरफ खुलता है, डी पॉजिटिव होता है तो एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है, डी निगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करता, या तो ऊपर से निकल जाता है तो नीचे से निकल जाता है, डिपेंड करता है ए पर। अगर डी इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स एक्सिस को टच करता है, और आपका उस जो उसका सबसे लोवेस्ट या मैक्सिमम या मतलब जो सबसे लोवेस्ट कहें या सबसे अपर मोस्ट पॉइंट कहें, वो पॉइंट होता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। ये तो एलजेब्रा से आ गया। अगर हम कैलकुलस यानी डिफ्रेंसिएशन से निकालना चाहें तो जो दी गई इक्वेशन है उसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, बराबर जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और ये एक्स की वैल्यू उठाकर रख देंगे आपके इक्वेशन में, तो वो आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे देगा। अभी तक सिर्फ हमने इसको सीखा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बोर्ड साफ करके आगे लिखा जाए बच्चों।